आराध्यो भगवान ब्रजेशतनय तदधाम वृंदावन रम्या काचिदुपासना ब्रज बधू वर्गेणया कल्पिता श्रीमद्भागवतम् प्रमाणममलम् प्रेमापुमर् श्री चैतन्य महाप्रभो मतमिदं तत्रादरो नः पर वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभा पीतांबर दरुण बिंबफल दरोष्ठा पूरणेन्दु सुंदर मुखा अरविंदने कृष्णा परम किमपि तत्व अहम न जाने वैराग्य विद्या निज भक्ति योगम शिक्षात्म एकम पुरुष पुराण श्री कृष्ण चैतन्य शरीर धारी कृपां बुधित्वा शरणं प्रपन्ना श्रूयतां श्रूयतां नित्यं बोलिए श्रूयतां श्रूयतां नित्यं गीयतां गीयतां मुदा गीयतां गीयतां मुदा चिन्त्यतां चिन्त्यतां भक्त्या चिन्त्यतां चिन्त्यतां भक्त्या चैतन्य चरितामृतम् चैतन्य चरितामृतम् श्रूयतां श्रूयतां नित्यम् गीयतां गीयतां मुदा गीयतां गीयतां मुदा चिन्त्यतां चिन्त्यतां भक्त्या चिन्त्यतां चिन्त्यतां भक्त्या चैतन्य चरितामृतम् चैतन्य चरितामृतम् भावराधिका मा आस्वादन सुख काज जय श्री कृष्ण चैतन्य जय
जय श्री कृष्ण चैतन्य जय कलि प्रकटे ब्रज राज नम ओम विष्णुपादाय बोलिए कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति इति नामिने नमस्ते सारस्वते गौरवाणी प्रचारिणि निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणि जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। उपस्थित भगवत कथा अनुरागी भक्त वृंद, इस सभा को सुशोभित करने वाले अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के वरिष्ठ भक्त गण, दूर दूर से पधारे हुए अतिथि मेहमान महानुभाव एवं आधुनिक उपकरणों के माध्यम से इस कथा का श्रवण करने वाले देश विदेश के समस्त श्रोतागण, इस गौर कथा में आए हुए आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत एवं आप सब भक्तों के चरणों में हमारा प्रणाम। परम सौभाग्य मुंबई बोरीवली में पुनः एक बार गौर पूर्णिमा के इस पावन अवसर पर भगवत कथा श्रवण करने का यह सुंदर अवसर आज हम सबको प्राप्त हुआ है और इस अवसर को सुशोभित करने वाले दूर दूर से आए हुए हमारे विशेष अतिथि चैतन्य चरितामृत के रचयिता कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, श्रूयताम श्रूयताम नित्यम। चैतन्य महाप्रभु की कथा को श्रूयताम श्रूयताम एक बार नहीं दो दो बार कहते हैं, महाप्रभु की कथाओं को श्रूयताम सुनो सुनो, कितना सुनो, नित्यम। भगवत कथा को श्री चैतन्य महाप्रभु की इस कथा को नित्य सुनना चाहिए। कई बार कुछ लोगों के मन में होता है कि जीवन में एक बार कथा सुन ली तो बस हमारा जीवन धन्य हो गया, जिसलिए हमारे मुस्लिम भाई हज में जाते ना, जीवन में एक बार हज कर ली तो बस अल्लाह को प्यारे हो गए हैं। लेकिन हमारे हिंदू सनातन धर्म और उसमें गौड़ीय धर्म, कविराज गोस्वामी का कहना है भगवत कथा को नित्य सुनना चाहिए। जैसे हम रोज भोजन करते हैं और भोजन से शरीर का वर्धन होता है, आत्मा का वर्धन भगवत कथा सुनने से होता है। और भगवत कथा में भी चैतन्य चरितामृत चैतन्य महाप्रभु की कथा, ये हम हरि भक्तों के लिए अत्यंत उपाध्याय है। मैं भूल जाऊंगा तब तक आपको बता दूं, ठाकुर भक्ति विनोद ने कहा, मैंने भागवत बहुत बार पढ़ा, मैंने भागवत बहुत बार सुना बहुत बार पढ़ा, यहां तक मैंने भागवत के ऊपर टीका भी लिखी, लेकिन सही भागवत मुझे तब समझ में आया जब चैतन्य चरितामृत पढ़ा। श्रीमद् भागवत दिव्य ग्रंथ है, पुराण सम्राट पुराण तिलक, सभी शास्त्रों का मुकुट मणि है श्रीमद् भागवत। लेकिन भागवत को जिसने अपने जीवन में चरितार्थ करके दिखाया श्री चैतन्य महाप्रभु, और ऐसे चैतन्य महाप्रभु की लीला श्री चैतन्य चरितामृत में है। इन लीलाओं को सुनने से भक्ति दृढ़ होती है, हमारी भक्ति आगे बढ़ती है।
अतः श्रूयताम श्रूयताम नित्यम, इस कथा को नित्य सुनना चाहिए। और सुनना ही नहीं, गीयताम गीयताम मुदा, महाप्रभु की कथा को सुनकर गाना चाहिए। हम और आप भगवत कथा सुनते हैं, भगवत कथा सुनने का सार लाभ क्या है? श्रूयताम और बाद में कहते हैं गीयताम, कथा को गाना। श्रीमद् भागवत जिसमें 12 स्कंद 335 अध्याय और 18,000 श्लोक सुनाने के बाद सूत जी ने कहा कि हे ऋषि मुनियों, ये भागवत आपको याद रहे या न रहे, लेकिन पूरे भागवत का सार है नाम संकीर्तनम यस्य। हरि को गाओ, भगवान को गाओ, ईश्वर को गाओ, यही भागवत और कथा का सार है। भक्तों, मैं तो अब आपके साथ आपके बीच में नहीं रहा, लेकिन मैं आपको कहूं कथा आप निरंतर सुनिएगा और कई लोगों के मुख से सुनिएगा, बार बार सुनिएगा, कभी किसी में भेद मत देखिएगा। लेकिन एक बात याद रखिए, भगवत कथा बोलने वाला सही यह है या गलत, ये कैसे पता लगेगा? भगवान की कथा जो बोल रहा है वो सही है या गलत, यह जानने के लिए, परखने के लिए एक सबसे बड़ा सिद्धांत है कि उनकी कथा, उनके उपदेश, उनके शिक्षा, उनके तत्व का पर्यवसान, कंक्लूजन क्या हरिनाम हो रहा है कि नहीं, भगवान का नाम हो रहा है कि नहीं। जिस कथा का कंक्लूजन, पर्यवसान, जिस कथा का अंत हरिनाम में होता है, तो समझो ये कथा और कथा बोलने वाला परफेक्ट है। क्योंकि जैसे हमारे देश में अनेक नदियां बहती हैं, गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी, नर्मदा, अलकनंदा, ये सभी नदियां भारत के अनेक राज्य, अनेक प्रांतों में पसार होकर आखिर तो सागर में मिल जाती है ना। जैसे समस्त नदियां आखिर समुद्र में जाकर मिलती हैं, वैसे सभी वेद, पुराण, शास्त्र, उपनिषदों का सार, एसेंस आखिर हरि नाम में आकर रुकता है। हरि नाम ही सार है, फिर चाहे भागवत हो या रामायण हो। पूरी रामायण सुनाने के बाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, राम ही सुमिरिय गाव ही राम ही, राम को गाओ, राम के नाम को गाओ, क्योंकि यही कली काल न साधन दूजा। इस कलयुग में और कोई साधन है ही नहीं, और करोगे तो उसे कंप्लीट कर ही नहीं पाओगे। यह कली काल न साधन दूजा, जोग यज्ञ तप हरि तप पूंजा। चाहे तप हो, चाहे यज्ञ हो, चाहे ध्यान हो, आखिर इस कलयुग में हरि नाम से ही सब कुछ संपन्न होता है। तो श्रूयताम भगवत कथा को सुनो और भगवान के नाम को गाओ। मैं आपको एक बात कहूं, शबरी ने राम के दर्शन के लिए कितना तप किया था। राम की राह देखते हुए शबरी का जीवन बीत गया, लेकिन उत्साह नहीं बीता। जीवन भर शबरी ने गुरु की सेवा की, भक्ति साधना की, और अंततः शबरी को राम का दर्शन हो गया। भगवान रामचंद्र आए, शबरी को दर्शन हुआ, और भगवान का दर्शन होने के बाद शबरी ने कहा कि प्रभु अब मुझे क्या करना चाहिए। जीवन भर सेवा करने का फल शबरी को क्या मिला? राम का दर्शन। और राम के दर्शन का फल क्या मिला? राम ने यही कहा, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, प
पंचम भजन सोवेद प्रकाशा पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। जीवन भर शबरी ने सेवा की और सेवा का फल मिला राम दर्शन, और भगवान रामचंद्र के दर्शन का फल शबरी को मिला भगवान का नाम। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, दृढ़ता के साथ मेरे मंत्र का जाप करो। इसलिए कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत के प्रारंभ में लिखते हैं, चिंत्यताम चिंतत्याम भक्त्या चैतन्य चरितामृतम। और जब भगवान की कथा को सुने तो चिंत्यताम, इस कथा का चिंतन करें, कथा का मनन करें। यह चैतन्य चरितामृत अमृत के समान है। चैतन्य चरित, चैतन्य महाप्रभु के चरित्र कैसे हैं? अमृतम, अमृत के समान है। ये तो जब आप सुनोगे तब आपको पता चलेगा ना। चैतन्य चरितामृत हम बोलने जा रहे हैं, मानो ऐसा लग रहा है कि आग हाथ में पकड़ने जा रहे हैं। चैतन्य चरितामृत के ऊपर कुछ बोलना कहना ये तो वैसा ही है जैसे वामन हैया चांद धरीते इच्छा करें। जैसे कोई बौना आदमी कद में हाइट में छोटा हो और चांद पकड़ना चाहे तो ये असंभव है, मुश्किल है। मेरे जैसे कलयुग की माया में फंसे हुए जीव के द्वारा चैतन्य चरितामृत के विषय में बोलना ये मुश्किल, ये असंभव जैसा ही है। तथापि मुकेर भाग्य मनेर उल्लास, लेकिन फिर मन में यह होता है कि आज नहीं तो कब। महाप्रभु का जन्मदिन है, गौर पूर्णिमा है, इन दिनों में यदि चैतन्य चरितामृत नहीं पढ़ेंगे, नहीं बोलेंगे तो कब पढ़ेंगे। दोष क्षमी मो अधमे कर निज दास। अतः भगवान के चरणों में निवेदन करके कि हमारे दोष अपराध को त्रुटियों को क्षमा करें और केवल गुण को ग्रहण करें। लेकिन भक्तों, कविराज गोस्वामी जो साक्षात द्वापर लीला में भगवान श्री कृष्ण की लीला में कस्तूरी मंजरी हुआ करते थे, स्वयं राधा कृष्ण के बिल्कुल निकट का स्थान कस्तूरी मंजरी का स्थान गौण गौर गणोदेश दीपिका में कवि कर्णपुर ने लिखा है। ऐसे कस्तूरी मंजरी कविराज गोस्वामी बनकर आए और चैतन्य चरितामृत लिखा, और लिखने के बाद कहते हैं कि ये चैतन्य चरितामृत जो व्यक्ति सुनता है, चैतन्य चरितामृत एही जन सुने। शब्द के ऊपर ध्यान दीजिएगा, चैतन्य चरितामृत यही जन सुने। जो व्यक्ति चैतन्य चरितामृत सुनता है, तार चरण धोया मुई मुई करुपाने। कविराज गोस्वामी कहते हैं कि जो चैतन्य चरितामृत सुनता है, मेरा मन करता है कि उनके चरणों को धोकर उस जल का पान करूं। क्योंकि चैतन्य चरितामृत सुनना ये कोई साधारण व्यक्ति की बात नहीं है। पुराणों में लिखा गया, व्यास मुनि कहते हैं कि करोड़ों करोड़ों जन्म की सुकृति होने पर भी ये चैतन्य चरितामृत नहीं मिलता। श्रीमद् भागवत के प्रारंभ में व्यास मुनि ने सरल बात स्वाभाविक कहते कह दिया कि भाग्योदयेन बहु जन्म समार्जितेन। हम लोग सुनते रहते हैं कि जिनका भाग्य होता है उनको भगवत कथा मिलती है, लेकिन उसी व्यास मुनि ने पद्म पुराण भागवत के अंत में कहा कि भगवत कथा सुनना ये भाग्य की बात नहीं है।
और भगवत कथा में भी चैतन्य चरितामृत की कथा ये भाग्य से नहीं मिलती, ये तो गुरु और गौरांग की कृपा से ही प्राप्त हो सकती है। आप ये समझो कि हम हमारे ऊपर श्रील प्रभुपाद जैसे परम शुद्ध गुरु की कृपा का धोध बह चुका है, ताकि आज हम लोग चैतन्य चरितामृत सुनने जा रहे हैं, क्योंकि ये सबको नहीं मिलता। तो चैतन्य चरितामृत जई जन सुने, तार चरण धोया मुई करू पाने, उनके चरण को धोकर मैं पान करूं, और श्रोतार पद रेणु मस्तक के भूषण। चैतन्य चरितामृत सुनने वाले श्रोताओं के चरणों के रज को मैं मस्तक पर लगाऊं, तुम्हारी ये अमृत पीले सफल है श्रम। क्योंकि इसे सुनने से मैंने मेरे जीवन में नित्यानंद प्रभु की आज्ञा और कृपा से जो ये ग्रंथ लिखा, ये मेरा श्रम सफल हो जाएगा। कहा गया है कि अनंत शेष अपने अनंत फैन अनंत मुखों से चैतन्य महाप्रभु की कथा बोलने लगे, बोलते 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 शेष शेष हो गए, थक गए, लेकिन चैतन्य महाप्रभु की लीला का शेष नहीं कर पाए। अतः अनंत शेष को इतनी लज्जा आई कि वो पाताल में जाकर छिप गए। अनंत शेष कहां रहते हैं? पाताल में। पहले पाताल में नहीं रहते थे, पहले यहां धरती पर रहते थे। लेकिन एक दिन चैतन्य चरितामृत पढ़ने बैठे, लेकिन समाप्त नहीं कर पाए, तो लज्जा के मारे पाताल में चले गए। तो ये हैं चैतन्य चरितामृत, जिसे सुनकर हृदय परिवर्तन, पाषाण हृदय भी पिघल जाता है यदि चैतन्य चरितामृत और उनके भाव को हृदय से श्रवण करें। गौरांग गुणे ते जुरे नित्य लीला तारे स्फुरे, से जान भक्ति रस सार। जिनका हृदय शुद्ध है, कोमल है, वही चैतन्य चरितामृत को समझ सकता है। लेकिन जैसे दशाश्वमेध घाट पर चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी को कहा कि रूप, ये भक्ति शास्त्र सिद्धांत अपार है, लेकिन तुमार चाखा इते एक बिंदु, उस सागर में से मैं एक बिंदु तुमको चखाने जा रहा हूं। मैं भी आज आपको कहूं, चैतन्य चरितामृत अनंत अपार है, लेकिन उस चैतन्य चरितामृत का एक बिंदु आपको स्पर्श कराने जा रहा हूं। बस आप संतोष ये रखिए कि पूरे समुद्र का जो टेस्ट होता है, वही टेस्ट, वही गुण समुद्र की उस बूंद में भी होता है। दूसरे शब्दों में, समुद्र की एक बूंद यदि चखली तो पूरे समुद्र का अंदाजा लगा सकते हैं, नहीं? हमारी बुद्धिमान महिलाएं जब भात हम बाफवा मुके, भात राइज आम चढ़ावा मुके, पछी बफाई, पछी बुद्धिमान महिला होई ई थोड़ा थोड़ीक वार पछी एक भात नो दाणो लईन दबावीन जुए, एक एक भात नो दाणो आम दबावीन जुए के बफाई गयो होय, तो ई समझ जाय के आमा बधाय दाणा बफाई गया हशे। पण आजनी नवी वहु जे आवी होय, आजनी आ छोकरियो, ई भात ना प्रत्येक दाणा दबावीन जुए, आ बफाणो के नहीं, आ बफाणो, पछी भात खावा जेवा रे। चावल यदि आपने उसे रांधने के लिए रखा है, तो एक चावल का दाना आप अंदाजा लगा सकते हो पूरे चावल का। ठीक उसी प्रकार चैतन्य चरितामृत अमृत समुद्र के समान एक बूंद पूरे ग्रंथ का परिचय दे सकते। हम सबके जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, उन उतार चढ़ाव को समझना बहुत बड़ी बात है। और श्री चैतन्य चरितामृत में चैतन्य महाप्रभु ने अपने आचरण से इन सिद्धांतों का वर्णन किया है।
एक बात याद रखिए, कृपा जब आती है तो कब आई, कैसे आई, कहां से आई, ये पता नहीं रहता। और इवन कृपा जो करता है उनके हाथों से कब कृपा निकल गई, ये भी कृपा करने वाले को भी पता नहीं रहता। कृपा बहुत बड़ी चीज है, कृपा के ऊपर भी हम बहुत कुछ सुनेंगे, लेकिन फिलहाल हमें जो सुनना है वो है प्रतिकूल कृपा। कृपा दो प्रकार की होती है, एक होती है अनुकूल कृपा और दूसरी होती है प्रतिकूल कृपा। अनुकूल कृपा उसे कहते हैं, अनुकूल कृपा का अर्थ है कि भाई भक्ति करते हैं और भक्ति करने से हमारी नौकरी लग गई, भक्ति करने से हमारा बिजनेस बन गया, भक्ति करने से हम रोगी थे हम ठीक हो गए, भक्ति करने से पैसे मिल गए, भक्ति करने से काम धंधा चल गया, भक्ति करने से शादी हो गई, बच्चे हो गए, ये जीवन में ये जो मिलता है उसे अनुकूल कृपा कहते हैं। लेकिन याद रहे, एक साधक को भक्ति में प्रगति करने के लिए मात्र अनुकूल कृपा नहीं, अनुकूल कृपा के साथ साथ प्रतिकूल कृपा की भी आवश्यकता है। जितनी अनुकूल कृपा की आवश्यकता है उतनी ही प्रतिकूल कृपा की आवश्यकता है। अनुकूल कृपा तो बहुत अच्छी लगती है ना, कुछ मिल जाए, कुछ हासिल हो जाए, ये बहुत अच्छी लगती है। लेकिन जीवन में जब गुरु और कृष्ण की कृपा से प्रतिकूल कृपा आती है तो वो हमें अच्छी नहीं लगती है, और उस प्रतिकूल कृपा को हम समझ नहीं पाए, उसे संजो नहीं पाए, उस प्रतिकूल कृपा को हम पचा नहीं पाएंगे तो हो सकता है हमारा भक्ति में पतन भी हो जाए। सो प्रतिकूल कृपा की अत्यंत आवश्यकता है, समझ गया। प्रतिकूल कृपा का अर्थ है जीवन में कोई भयंकर रोग हो जाना, जीवन में कोई उथल पाथल हो जाना, अचानक कुछ जीवन में गड़बड़ी हो जाना, कोई अघट घटना घट जाना, इसे चैतन्य महाप्रभु ने प्रतिकूल कृपा कहा है। बाहर से ऐसा लगता है कि हमारे जीवन में इतना भारी दुख आ गया, प्रॉब्लम आ गया, लेकिन वह दुख नहीं, वो आचार्य की, भगवान की प्रतिकूल कृपा है। और एक बात याद रखें, अनुकूल कृपा से कोटि कोटि गुना इंपॉर्टेंट है प्रतिकूल कृपा। अब मैं आपको कैसे समझाऊं, इसे समझने के लिए एक एक जीवन का दृष्टांत समझना होगा, सुनेंगे। हम संसार में जीवन में देखते हैं, हमारे पूरे जीवन में हमसे सबसे ज्यादा प्रेम कौन करता है, हमारे जीवन में सबसे अधिक प्रेम, प्रेम तो बच्चे भी करते हैं, मित्र भी करते हैं, इवन पत्नी भी प्रेम करती हैं, लेकिन एक माँ अपने बेटे से जितना प्रेम करती है उतना और कोई नहीं करता है। प्रतिकूल कृपा को समझने के लिए एक माँ का प्यार समझना जरूरी है। इसलिए कई बार कुछ लोग कहते हैं ना, आई एम फॉल इन लव, मैं उस लड़की से बहुत प्रेम करती हूं, बिकॉज ही इज माई फर्स्ट लव। इस संसार में सभी जीवों का पहला प्यार उनकी मां मानी गई है। जब हमारा जन्म हुआ, जब हम छोटे थे, हमारी मां के अलावा हम दो मिनट भी नहीं रह सकते थे। उस छोटे से बालक को आप कितना भी बड़ा खिलौना दे दो, भोजन दे दो, कुछ भी दे दो, लेकिन फिर भी वो तो रोता रहेगा, क्योंकि उसे मां चाहिए। बच्चे का मां से कितना प्रेम, और उस बच्चे का मां से जितना प्रेम है उससे करोड़ों करोड़ों गुना ज्यादा मां का अपने बच्चे से प्रेम होता है। हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि भगवान की छवि इस धरती पर किसी में उतरी है तो वो माता में है। अद्भुत प्रेम। आपने त्या कवियों बहुत सुंदर कीधु के बारखड़ी ना आखी बारखड़ी मां, पूरी वर्णमाला में
यदि मां शब्द न हो तो वर्णमाला अधूरी मानी जाएगी। कवियों ने तो यहां तक कहा कि ईश्वर ने यह संसार बनाया और संसार बनाने के बाद ईश्वर ने सोचा कि मैं कितने रूप लेकर लोगों के घर जाऊंगा और ध्यान रखूंगा। भगवान ने सोचा ये मेरे बस की बात नहीं, तब भगवान ने एक मां का निर्माण कर दिया, हर घर में एक मां को दे दिया ताकि वो बच्चों का ध्यान रख सके। हमारे देश में तो कहावत है गुजरात में कि मां ते मां बीजा, अपने बेटे के दुख को समझ सकती हैं, बेटे के अनेकों अनेकों अपराध पर अपना पर्दा अपना पल्लू डाल देती हैं और सभी प्रकार के सुख देने का प्रयास करती हैं। मुझे बहुत मेरा बहुत मन पसंद पद है, त्राजवे तोल तोलाय नहीं अने तातणे गाट घड़ाय नहीं, आखा ब्रह्मांड मां मूलवाय बधूं, माना हैयाने मूलवाय नहीं, आखा ब्रह्मांड मां मूलवाय बधूं पण, माना हैयाने मूलवाय। इस ब्रह्मांड में सभी वस्तुओं का तोल मोल कर सकते हैं, सभी वस्तुओं की कीमत लगा सकते हैं, लेकिन मां के हृदय की कीमत इस धरती पर कोई लगा नहीं सकता, क्योंकि मां मां होती है। अपने छोटे बच्चे को पालने के लिए अपनी जवानी बर्बाद कर देती है, उसे 9-9 महीने तक गर्भ में रखती हैं, असह्य प्रसव वेदना सहन करती हैं मां। मां वलड़ी जेम गा वलड़ी, कवियों ने मां की उपमा गाय के साथ दी है। गा वलड़ी जेम मां वलड़ी, ई भटकू खाई दिवसो गाळती हती, तेम छताए बहुत कम खुद भूखी रह जाती है लेकिन अपने बच्चों को खिलाती है मां। हमारे सौराष्ट्र के संत कवि काग ने तो यहां तक लिखा कि एक मां बूढ़ी हुई और बूढ़ी है, साक्षात यमराज के दूत उनके सामने खड़े हैं लेकिन फिर भी प्राण नहीं निकल रहा है। तब किसी ने उस स्त्री से कहा कि आपके प्राण क्यों नहीं निकल रहे हैं? उस असह्य वेदना सहन करते हुए, असंख्य बिच्छू का डंक की वेदना सहन करते हुए वह माँ कहती हैं कि मुझे मेरे बेटे की चिंता हो रही है, मुझे मेरे बच्चे की चिंता हो रही है। और उस मां के जीवन में सबसे बड़ा दुख कब आता है? जब उनके पति की मृत्यु हो जाती है। कवियों ने हतो वालो ते वेर वड़ावी गयो, इनो पति देव स्वर्गे सिधावी गयो, वन वगड़ा मां एने रजड़ावी गयो, वन वगड़ा मां एने रजड़ावी। पति की मृत्यु हो गई, पति पाछल एने मरवूं हतूं। इतिहास खोलिए, पांडु की मृत्यु हुई तो कुंती को जीना नहीं था, राम ने सीता को त्याग दिया, सीता को जीना नहीं था, कोई स्त्री अपने पति के अलावा जीना नहीं चाहती। पति पाछल एने मरवूं हतूं, तेम छताई एने जीववूं पड़तू हतू, कारण एना खोला मा बाळक रमतू हतू, एना खोला मा बाळक रमतू हतू। एक मां जिनके पति की मृत्यु हो गई, संसार कुछ काम का नहीं, और पति के पीछे मैं सती हो जाऊं मर जाऊं,
लेकिन संसार की नाव में डूबने से अच्छा है कि पति के पीछे मैं सती हो जाऊं, संसार के ताने सुनूं, दुनिया के दुख को भोगतूं। लेकिन क्या करे, परवश है, मरना तो था। पति पाछळ एने मरवूं हतूं, तेम छताई एने जीववूं पड़तूं हतूं। कारण एना खोळामां बाळक रमतू हतू, एना खोळामां बाळक रमतू। सीता को मरना, सीता को जीना नहीं था। जब राम ने त्याग दिया, सीता सोची कि मैं मर जाऊं, लेकिन कैसे मरूं, मेरे गोद में दो दो बच्चे पल रहे हैं। कुंती को जीना नहीं था, पति मर गए, कुंती को भी मरना था, लेकिन क्या करूं, पांच पांच बालकों की जिम्मेदारी है, जिम्मेवारी है। संसार के सारे दुख को सहकर अपने बच्चों को सुख देती है मां। रात भर जगती है और अपने बच्चों को सुलाती है मां। बच्चा कभी गंदगी कर दे, लेकिन फिर भी कभी घृणा नहीं होती है, बड़े प्रेम से अपने बच्चे को साफ करती है मां। दुनिया में ये कार्य एक मां ही कर सकती है, जिसका कोई तोल या मोल नहीं कर सकता, कोई मोल नहीं। अब आइए प्रतिकूल कृपा में। ऐसी मां का एक लाडला बेटा है, अपने बेटे के साथ एक मां रहती है और मां अपने बच्चे को बहुत सुंदर, बच्चा कहता है मां मुझे लड्डू चाहिए, तो वो लड्डू खिलाती है। बच्चा कहता है मां मुझे चॉकलेट चाहिए, मां उसे चॉकलेट खिलाती है। बेटा कहता है मां मुझे ये चाहिए, मां उसे सब कुछ देती है। मां के द्वारा बच्चे को ये सब कुछ देना, ये मां की अनुकूल कृपा है, ठीक है। लेकिन एक दिन उस बच्चे के पांव में एक फोड़ा हो गया, फोड़ा समझते ना, एक दिन उस बच्चे के पांव में फोड़ा हो गया, धीरे धीरे बढ़ने लगा। डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने कहा कि इसका ऑपरेशन, इसको काटना होगा। लेकिन उस फोड़े को काटने के लिए उस बच्चे को दर्द होने वाला था। मां ने कहा कोई बात नहीं, मैं इस बच्चे का पांव पकड़कर रखूंगी, आप उसे काट देना। वो मां उस छोटे से लाडले का, बच्चे का पांव पकड़कर रखती है और डॉक्टर छुरा चलाता है। उस समय बच्चा छटपट आता है, रोता है और मां को गाली देता है, मां ये तू क्या कर रही है। उस समय उस बेटे को लगता है कि ये मेरी मां मेरे से क्या वर्तन कर रही है। हो सकता है कि उस समय उस बच्चे को ऐसा लगे कि ये मां मुझे दर्द दे रही है, दुख दे रही है। लेकिन भक्तों, ये मां समझ पाएगी कि बच्चे को जितना कष्ट हो रहा है, उससे करोड़ों गुना कष्ट उनकी मां को हो रहा है। लेकिन मां जानती है कि जब तक ऑपरेशन नहीं करेंगे, मेरा बेटा ठीक नहीं होगा। उस बच्चे को लड्डू देना, चॉकलेट देना, ये मां की अनुकूल कृपा है। लेकिन बच्चे को फोड़ा हो जाए और उस पर छुरा चलवाना, ये मां की कृपा है लेकिन प्रतिकूल कृपा है, ये प्रतिकूल कृपा है। और जब मां की प्रतिकूल कृपा हुई, तब बच्चे को ऐसा लगता है कि ये मां मेरे साथ ये क्यों कर रही है। वो बच्चा समझ नहीं पाता है, वो बच्चा समझ नहीं पाता कि ये मां ने मुझे दुख दिया, दर्द दिया, कष्ट दिया। लेकिन मैं आपको पूछूं कि मां अपने बेटे को लड्डू चॉकलेट आदि देकर अनुकूल कृपा करती है, ये श्रेष्ठ है कि डॉक्टर के पास जाकर उस बच्चे के पांव को जबरदस्ती पकड़कर उस फोड़े को छुरा चलवाना, ये उत्तम है। मैं आप पर छोड़ रहा हूं, बताइए। उस बच्चे को लड्डू चॉकलेट देना, ये उत्तम है कि बच्चे को डॉक्टर के पास जाकर छुरा चलवाना उत्तम है। एक बार लड्डू चॉकलेट नहीं देते तो बच्चा जीवन चला लेता, जीवन चल जाता। लेकिन यदि ऑपरेशन न करवाते तो
तो बच्चे के जीवन में बहुत बड़ा रिस्क हो जाता है। समझ पा रहे हैं कि हमारे जीवन में ईश्वर के द्वारा अनुकूल कृपा भी होती है, प्रतिकूल कृपा भी होती है। अनुकूल कृपा जीवन में धन संपत्ति ये वो सब कुछ आ जाना जिसमें हमें सुख और आनंद होता है, और प्रतिकूल कृपा में हमसे कुछ चला जाना, कुछ अघट घटना हो जाना, ये प्रतिकूल कृपा है। लेकिन दोनों कृपा में अनुकूल कृपा एक बार न हो तो चल जाए, लेकिन प्रतिकूल कृपा तो होनी ही चाहिए। साधक के जीवन में यदि प्रतिकूल कृपा न हो तो ईश्वर प्रेम या ईश्वर की भक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। भगवान नर नारायण बद्रीनाथ धाम में आज भी प्रकट है ना। तो भगवान नर नारायण को मदन मारुत समस्त देवता प्रार्थना करते हैं, और जब भगवान श्री कृष्ण कंस के कारागार में मथुरा में माता देवकी के गर्भ में है तो सारे देवता भगवान के पास आते हैं और भगवान को सुंदर स्तुति करते। तथान ते मा धवताव का क्वचीर, भागवत 10:2-33, श्रीमद भागवत के दशम स्कंद के दूसरे अध्याय का 33वां श्लोक। प्रतिकूल कृपा का फल क्या मिलता है मैं आपको बता रहा हूं। एक बात समझ लीजिए, जिसने हरिनाम जप करना शुरू किया है उसको कभी कर्म का फल नहीं मिलता, क्योंकि हरिनाम जपने वाले का तो कर्म कब से नष्ट हो जा, जब से संकल्प करते हैं तब से सारे बुरे कर्म खत्म हो जाते हैं। भक्त के जीवन में दुख आते हैं तो एकमात्र भगवान की कृपा से आते हैं, और वह कृपा प्रतिकूल कृपा है। जैसे माँ अपने बच्चे के उस फोड़े का ऑपरेशन करवाती है, वैसे भगवान को भी भक्त का ऑपरेशन, क्योंकि कहीं ना कहीं जीवन में कुछ गड़बड़ होती है और भगवान का पैरामीटर बहुत परफेक्ट चलता है कि इतनी प्रतिकूलता होगी, प्रतिकूल कृपा होगी, तब जाकर ये सीधा वैकुंठ में आ सकता है। हम उनके खेल को समझ नहीं पाते हैं। हमारे गौड़ी आचार्य कहते हैं इस दुनिया में सबसे बड़ा खिलाड़ी यदि कोई है तो वो कृष्ण है। सबसे बड़ा ऐसा लिखा है, कृष्ण रे यतेक खेला, कृष्ण रे यतेक खेला, कृष्ण ऐसा खेल खेलते हैं जिसका दाव हमको समझ में नहीं आता है कि अब कौन सा डाला है, अब क्या करने वाला है, कैसे है उसकी अद्भुत। अब देखिए, गर्भस्थ स्तुति करते हुए देवताओं ने कहा, तथान ते माधवताव क्वा क्वची भृशन्ति मार्गा त्वयी बद्ध सोरिद त्वया विगुप्ता विचरन्न निर्भया विनायकानि कपमूर्धसु प्रभो। शब्द पर गौर फरमाइएगा। देवतागण भगवान से कहते हैं कि कृष्ण हम आपके बारे में सब कुछ जानते हैं, हम तो ये प्रार्थना करते हैं कब हम यहां पर जन्म ले, आपका भजन करें। क्यों? क्योंकि हे माधव ताव का, ताव का मतलब कृष्ण, ताव का मतलब आपका जो हो चुका है, ताव का मतलब जो आपका हो चुका है। अब मैं इस एक शब्द पर पूरी कथा कंप्लीट कर सकता हूं। जीवन में ज्यादा उथल पाथल, ज्यादा भागदौड़ मत करो, एक चीज कर दो, ताव का एक चीज करो जीवन में, कृष्ण के हो जाओ, कृष्ण को पूर्ण रूप से शरणागत हो जाओ। एक बार हम कृष्ण के हो गए फिर हमारे पूरे जीवन की जिम्मेवारी भगवान कृष्ण की है, कृष्ण की। इसलिए गोपियों ने गोपी गीत में भी कहा कि कृष्ण ताव का, हम तो आपकी दासी है, हम तो तुम्हारी है। और यहां देवता कहते हैं कि ताव का कृष्ण जो आपका हो चुका है, खत्म। और अघट घटना, अब प्रतिकूल कृपा किसके जीवन में नहीं हुई, अब ये सिद्धांत मैं आपको समझा दूंगा, फिर घर जाकर पढ़ते रहिएगा, इतिहास आपको ढेर सारे मिलेंगे।
लेकिन नरसिंह मेहता के जीवन में ऐसी प्रतिकूल की कृपा के पिता का श्राद्ध करने का समय और उनके पास कोई धन नहीं, पैसा नहीं, और पांच ब्राह्मण को खिला सके इतने भोजन की व्यवस्था नरसिंह मेहता के पास नहीं थी। नरसिंह मेहता, उनकी पत्नी माणिक बाई बड़ी चिंता में, तब माणिक ने कहा, चिंता मत करो, मेरी जब शादी विवाह हुआ था तब मेरे माता पिता ने मुझे नाक में पहनने की नथनी दी थी। वैसे मेरा सब कुछ बिक गया लेकिन एक नथनी मैंने छुपा कर रखी है। जब भी जीवन में दुख आता मैं नथनी को देखकर मैके की याद करके दो आंसू बहाकर रो लेती, मेरा हृदय हल्का कर लेती। लेकिन आज जब श्राद्ध का समय आया है, आप ये मेरी नथनी बेच दो और पिताजी का श्राद्ध कर दो। नरसिंह मेहता व नथनी लेकर जूनागढ़ की बाजार में बेचने जा रहे हैं, लेकिन भक्तों, वो जूनागढ़ की बाजार में नरसिंह मेहता की नथनी नहीं बिकने जा रही थी, मेरे कृष्ण की इज्जत बिकने जा रही थी। क्योंकि नरसिंह तो कृष्ण का हो चुका था, अब नरसिंह मेहता का कुछ हो गया तो नरसिंह की इज्जत नहीं, ये कृष्ण की इज्जत जाने वाली थी। महाभारत का प्रसंग आपको सुना है ना, बार बार हम सुनते हैं कि द्रौपदी का जब वस्त्र हरण हो रहा था, दुशासन साड़ी खींच रहा था, द्रौपदी धृतराष्ट्र यहां वहां सबके पास गई और फिर अंत में द्रौपदी दोनों हाथ ऊपर करके कृष्ण को पुकारने लगी, फिर भी कृष्ण नहीं आए। जब द्रौपदी ने कृष्ण को पुकारा, पूर्ण हाथ ऊपर करके शरणागत हुई और फिर भी कृष्ण नहीं आए, तब द्रौपदी रोने लगी और द्रौपदी को अब अपनी चिंता नहीं, अब अपने कृष्ण की चिंता होने लगी। सूरदास जी ने इस पद को बड़े भाव से लिखा। द्रौपदी कहते हैं, कहती हैं, मुरारी मेरो क्या बिगड़े हो, हे मुरारी, हे कृष्ण, अब मुझे मेरी चिंता नहीं है। ये 10,000 हाथी का बल रखने वाला दुशासन अभी एक मिनट में मेरी साड़ी निकाल देगा, और करोड़ों की दुनिया में कोई एक नारी बदनाम भी हो जाए तो क्या फर्क पड़ता है, लेकिन मुरारी मुझे तेरी चिंता हो रही है। मुरारी मेरो क्या बिगड़े वो, जाए गिला जतिहारी, जाए गिला जतिहारी, मुरारी मेरो क्या बिगड़े। मुरारी अब मेरा नहीं बिगड़ने वाला, चिंता इस बात की है कि लाज तेरी जाएगी। दुनिया वाले कहेंगे कृष्ण की भक्त थी और द्रौपदी की इज्जत लूट गई और कृष्ण ने रक्षा नहीं की। तो एक बार कृष्ण के होकर देखिए, उनका खेल अद्भुत है। उनके घर देर है लेकिन अंधेर नहीं है। वो कृष्ण थोड़ी देरी करता है, वो अपने भक्तों को थोड़ा सा चेक करना चाहता है, लेकिन वो तो कहीं से भी आकूद पड़ता है। वो कभी खंभा तोड़कर आ जाता है, तो कभी आकाश को चीर कर आ जाता है, तो कभी कहीं ना कहीं से कृष्ण आकर भक्त की लाज अवश्य बचा लेता है। क्योंकि कृष्ण ने भगवद गीता में वादा किया है, अर्जुन, शिप्रम भवन्ति धर्मात्मा शश्वत शांतिनि गच्छति कौन्तेय प्रतिजानी हि न मे भक्ता पुनश्यति। अर्जुन, जो व्यक्ति मेरा भजन करेगा उसकी लाज मैं कभी नहीं जाने दूंगा, मेरे भक्त का मैं कभी पतन नहीं होने दूंगा। अर्जुन, ऐसी मैं प्रतिज्ञा करता हूं और तुम भी एक प्रतिज्ञा कर लो, एक से भले दो। तो देवतागण, आइए पुनः गर्भस्थ स्तुति, कंस का कारागार और 33 करोड़ देवी देवता, झूठ तो नहीं बोल सकते, ये 33 करोड़ देवी देवता एक साथ एक स्वर से कह रहे हैं, तथा नते ताव का माधव क्वचित, हे माधव, हे कृष्ण, कृष्ण ताव का जो आपका हो चुका है, मतलब जिसने गले में कंठी, भाल में तिलक, शिखा, धोती, कुर्ता जो धारण कर चुका है और अपने आप को दास बना चुका है, बस अब कृष्ण के नाम की फैट पहन लिया है,
कि दीन दयाल सुनी जब ते तब ते मन में कछु ऐसी बसी है, तेरो कहाई के जाऊं कहाई अब तेरे ही नाम की फैट कसी है। तेरो ही आसरो एक मलोक नहीं कोई मन में दूजी जसी है, हे हो मुरारी पुकारी कहूं अब मेरी हंसी नहीं तेरी हंसी है। अब मेरी हंसी नहीं तेरी हंसी है क्योंकि मैं तुझे अर्पण हो चुका हूं। तो ताव का जो कृष्ण के हो चुके हैं, जो कृष्ण के भक्त हो चुके हैं, कभी कभी उन भक्तों का पतन होता है, मतलब कभी कभी भक्त मार्ग भटक जाते हैं। तो देवता क्या कहते हैं, भ्रष्यंति मार्गवा त्वयि बद्ध सौहृदा। इस संसार में कृष्ण अब दूसरी ओर कहते हैं, जो आपकी भक्ति नहीं करते, कृष्ण जो आपको जानते नहीं पहचानते नहीं, वे लोग कभी कभी मार्ग से भटक जाते हैं और उनका पतन हो जाता है। लेकिन कृष्ण जो आपका भजन करता है, कहते हैं कभी कभी आपका भजन करने वालों के जीवन में बड़े विघ्न आते हैं। विनायका भक्ति के मार्ग में कभी कभी बहुत विघ्न आते हैं, लेकिन कृष्ण हम जानते हैं कि वो विघ्न आप जानबूझकर डालते हैं। ये देवता कह रहे हैं, मानो कृष्ण गर्भ से जवाब दे, भले मैं क्यों विघ्न डालूं। तब देवता बहुत सुंदर कहते हैं, विनायका निक मूर्ध सुप्रभो, क्योंकि कृष्ण आप अपने भक्तों को ऊपर उठाना चाहते हो, आप अपने भक्तों को वैकुंठ तक लेकर जाना चाहते हो, और वैकुंठ जाने के लिए नीचे कुछ आधार तो चाहिए। मैं आपको कहूं कि आप यहां से चलकर जाओ तो ये धरती पर पग रखकर जाओगे ना, हवा में तो आप पांव नहीं रख सकते। तो वैकुंठ में जाने के लिए नीचे आधार तो चाहिए। देवताओं की सुंदर रचना, देवता कहते हैं, विनायक आप अपने भक्त के जीवन में प्रतिकूल कृपा करते हो, विघ्न आप जानबूझकर देते हो, लेकिन आपके भक्त उस विघ्न के मस्तक के ऊपर पांव रखते हैं और वैकुंठ में विचरण करते हैं। विनायका विनायक विघ्नों के ऊपर अपना पांव रखकर वैकुंठ में विचरण करते हैं। अब दूसरे शब्दों में, यदि विघ्न न हो तो वैकुंठ से आदमी गिर जाएगा, नीचे आधार तो पांव तो रखना होगा। वैकुंठ में विचरण करने के लिए, भगवान के धाम में जाने के लिए जो आधार है, जिस पर पांव रखना है, वो है विघ्न, वो है प्रतिकूल कृपा। दूसरे शब्दों में, अनुकूल कृपा से संसार का सुख मिलेगा, लेकिन प्रतिकूल कृपा से वैकुंठ का सुख मिलेगा। अब आप अपने जीवन में समझ लीजिए, अनुकूल कृपा आए तो इतने प्रसन्न न हो, उससे केवल संसार का सुख मिलने वाला है, लेकिन प्रतिकूल कृपा आए तो उस प्रतिकूल कृपा, उस विघ्न के मस्तक पर पांव रखकर वैकुंठ में विचरण कर सकते हैं। सो ये है प्रतिकूल कृपा, और भगवान के द्वारा अनुकूल और प्रतिकूल दोनों प्रकार की कृपा होती है। हमारे जीवन में ये दोनों कृपा आती हैं, लेकिन याद रहे, अनुकूल कृपा को तो कभी कभी हम निग्लेक्ट कर सकते हैं, अनुकूल कृपा को हम कभी कभी उसे छोड़ भी सकते हैं, लेकिन प्रतिकूल कृपा को कभी निग्लेक्ट नहीं किया जा सकता। उदाहरण के तौर पर, बहुत समय पहले गुरुदेव जिसे अपना शिक्षा गुरु मानते हैं, भाई श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार, गवर्नमेंट ने, भारत की सरकार ने भाई श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी को भारत रत्न अवार्ड देने का निर्णय किया कि हमारे मध्यकालीन युग के एक विख्यात संत, जिन्होंने भारत की जनता का उद्धार करने के लिए गीता वाटिका को माध्यम बनाकर अनेकों ग्रंथ लिखे, अनेक अनेक शास्त्रों को उन्होंने प्रस्तुत किया, तो भाई श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार को भारत रत्न का अवार्ड निर्णय किया गया और उनको समाचार मिला। तब भाई श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार ने उनका जवाब दिया कि देखो, मुझे ये अवार्ड नहीं चाहिए, मैं इस संसार के अवार्ड में फंसना नहीं चाहता, मुझे अवार्ड नहीं चाहिए, मुझे तो केवल रत्न सिंहासन आप विराजे, मुझे तो वैकुंठ का अवार्ड चाहिए। धर्मस्य अपवर्गस्य, मुझे जो भी धर्म करता हूं यहां मुझे इसका फल नहीं, मुझे यहां का फल वैकुंठ में चाहिए।
तो कहने का अर्थ कुछ वस्तु मिल रही थी तो उनको उन्होंने मना कर दिया। अनुकूल कृपा को हम मना कर सकते हैं, लेकिन कोई आदमी किसी का खून कर दे और जज जजमेंट दे कि इसको फांसी सजा होने वाली है, तो फांसी की सजा जिसको होने वाली है वो अपने ही सजा को ठुकरा नहीं सकता है। प्रतिकूल कृपा, अनुकूल कृपा को तो कदाचित हम ठुकरा दे, प्रतिकूल कृपा को ठुकरा नहीं सकते। और प्रतिकूल कृपा ईश्वर प्राप्त करा देता है। ऐसा ही एक प्रसंग आज हम चैतन्य चरितामृत से सुनेंगे। आप सब जानते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु का जन्म मायापुर में हुआ और बहुत छोटी सी उम्र में चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेकर जगन्नाथपुरी चले गए। चैतन्य महाप्रभु ने अपनी माँ को बड़ा सम्मान दिया, अपनी माता शची माता का बड़ा सम्मान किया। शची माता ने कहा, बेटा मैं तो विधवा हूं और मेरा ध्यान रखने वाला कोई नहीं, तो मैं निवेदन करती हूं, तूने ठान लिया है तुझे संन्यास लेना है तो संन्यास ले ले, मैं तुझे नहीं रोकूंगी, लेकिन बेटा कहीं दूर मत चले जाना, यहां जगन्नाथपुरी में तू निकट रहना ताकि जब जीवन में जरूरत हो तो हम तुम्हें मिल सके। अपनी माता का आदर करने के लिए चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी चले गए और जगन्नाथपुरी में अपने अंतिम दिनों में श्री चैतन्य महाप्रभु गंभीरा में रहते थे। उन दिनों की एक बहुत सुंदर प्रतिकूल कृपा को समझने की एक कथा मैं आपके बीच, श्री चैतन्य महाप्रभु का एक बहुत सुंदर भक्त हुआ करता था जिसका नाम था छोटा हरिदास। क्या नाम था वो? हरिदास नहीं, नामाचार्य हरिदास ठाकुर नहीं, चैतन्य लीला में बहुत हरिदास हैं, ये है छोटे हरिदास, छोटा हरिदास। और ये छोटा हरिदास की निपुणता कीर्तन करने में थी। चैतन्य महाप्रभु को अक्सर निरंतर कीर्तन सुनाते रहते और चैतन्य महाप्रभु इनका कीर्तन सुनकर बड़े प्रसन्न हो जाते। कभी कभी अपना हार निकाल कर पहना देते, कभी अपना दुपट्टा देते, कभी आलिंगन कर लेते। इस छोटे हरिदास के बहुत निकट चैतन्य महाप्रभु रहते और निरंतर उनके मुख से कीर्तन सुनते। श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे, श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे, श्री राधे जय जय राधे, श्री राधे जय जय राधे। यह कीर्तन सुनकर चैतन्य महाप्रभु मतवाले हो जाते, पागल हो जाते भाव से। श्री राधे जय जय राधे, श्री राधे जय राधे गोविंद भज मन श्री राधे, श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे, श्री राधे गोविंद भज मन श्री हरे कृष्णा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण राम राम
खली पावन अवतार है। श्री चैतन्य महाप्रभु का जब जन्म हुआ, जब वो बहुत छोटे थे, कभी कभी अचानक रोने लगते। उस छोटे से निमाई को चैतन्य महाप्रभु को शांत करने के लिए खिलौना देते, भोजन देते, बहुत उपाय करते, लेकिन उनका रोना बंद नहीं होता। तब आजू बाजू में से कुछ स्त्रियां आती और उस छोटे से निमाई के सामने बैठकर हरि कीर्तन करने लगती। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा गाइए प्रेम से। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम घंटे से निरंतर छोटे से निमाई चैतन्य महाप्रभु रोते और अगल बगल की स्त्रियां आकर जब उनके सामने कीर्तन करने लगती, रोना बंद और खिलखिलाकर हंसने लगते। हमें भी यदि भगवान को प्रसन्न करना है तो हम भी भाव से कीर्तन करें। देखिए कलयुग, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कलयुग युग सम आन नहीं, कलयुग जैसा कोई युग नहीं। अन्य युगों में भगवान को रिझाने के लिए अनेकों यज्ञ करने पड़ते थे, करोड़ों का खर्च करना पड़ता, ध्यान करना पड़ता, लेकिन इस कलयुग में मात्र महामंत्र को गाकर श्री चैतन्य महाप्रभु को प्रसन्न कर सकते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 कार। छोटा हरिदास चैतन्य महाप्रभु को रोज कीर्तन सुनाए, महाप्रभु प्रसन्न रहे। एक दिन किसी ने चैतन्य महाप्रभु को पूछा कि भगवंत, राधा रानी की प्रेममयी सेवा के राधा भाव राधा लीला और श्रीमती राधा रानी की प्रेममयी सेवा के आपके पार्षदों भक्तों में कितने अधिकारी कितने लोग हैं? राधा भाव राधा मई राधा रानी की उच्च दिव्य सेवा करने के अधिकारी आपके साथ आपके पास कितने हैं? चैतन्य महाप्रभु ने कहा केवल 3.5। केवल 3.5 लोग ही ऐसे हैं
जो राधा तत्व राधा रानी की सेवा के अधिकारी है। आप विचार करो, चैतन्य महाप्रभु के साथ कितने लोग महाप्रभु की उस वृक्ष की श्रृंखला आप देखिए, लेकिन महाप्रभु ने उन दिनों कहा था केवल 3.5 लोग हैं जो राधा तत्व राधा भाव राधा सेवा के अधिकारी हैं। भक्तों, इस सिद्धांत से हमें यह समझना चाहिए कि राधा तत्व राधा भाव और राधा सेवा की जो उपासना है वो हम सबके बस की बात नहीं है। आजकल कुछ लोग 6-8 महीने भक्ति में आते हैं, 2-5 कथा सुन लेते हैं, कहते हैं महाराज अब ये सब छोड़ो हमें राधा भाव सुनाओ। राधा भाव सबके बस की बात नहीं है, इसके लिए अधिकार चाहिए। अन अधिकार चेष्टा अपराध करा देती है। महाप्रभु जिन दिनों थे उन दिनों केवल 3.5 लोग ही थे राधा भाव को समझने वाले। श्रील प्रभुपाद की बड़ी कृपा रही, प्रभुपाद ने बहुत सुंदर अपने आश्रितों को इन सब अपराधों से बचा कर रखा। और आज मैं धन्यवाद करूं प्रभुपाद के बाद हमारे वर्तमान आचार्यों को जिन्होंने प्रभुपाद के मूड को बिल्कुल पकड़ कर रखा। 3.5 अधिकारी, पूछा ये 3.5 कौन? चैतन्य महाप्रभु ने कहा स्वरूप दामोदर, राधा भाव तत्व का अधिकारी स्वरूप दामोदर एक, दूसरा है राय रामानंद, तीसरा है शिखी माहिती। और महाप्रभु आपने 3.5 का वो आधा कौन? बोले शिखी माहिती की छोटी बहन है जो विधवा हो चुकी थी, जवानी में ही विधवा हो चुकी थी, बूढ़ी थी, उम्र लायक थी और उसका नाम था माधवी। सो शिखी माहिती की छोटी बहन माधवी, स्वरूप दामोदर, राय रामानंद, शिखी माहिती, ये 3 और माधवी 3.5। 3.5 लोग राधा तत्व राधा रानी के अधिकारी हैं, बाकी सबको हरिनाम जप करना चाहिए और अपने आप को पवित्र करके आगे बढ़ाना चाहिए। हमें उस भाव में पहुंचना है, लेकिन उस भाव में पहुंचने की सीढ़ी है महामंत्र साधना। साधन भक्ति से रागानुगा भक्ति प्रेमा भक्ति तक पहुंचेंगे। बिना साधन के यदि रागानुगा में चले गए प्रेमा भक्ति में चले गए तो वो मात्र एक ड्रामा होगा, एक नाटक होगा। बाहर से गोपी बन गए, जैसे पूतना गोपी का ड्रेस बनकर लेकर आई थी ना, वो पूतना बाहर से गोपी थी लेकिन अंदर से तो राक्षसी थी। कुछ ऐसा ना हो जाए। 3.5 अधिकारी थे। एक दिन की बात, चैतन्य महाप्रभु सन्यासी थे और अक्सर गृहस्थ सन्यासी को अपने घर पर भोजन के लिए बुलाते हैं। तो जगन्नाथपुरी में एक दिन भगवान आचार्य ने चैतन्य महाप्रभु को अपने घर पर भोजन के लिए निमंत्रण दिया। महाप्रभु अपने सन्यास धर्म को देखते हुए भगवान आचार्य को के निमंत्रण को स्वीकार कर लिया। रोज कहीं ना कहीं भोजन होता था, आज इनके घर पर। तो आज भगवान आचार्य ने चैतन्य महाप्रभु को भोजन के लिए निमंत्रण किया। ध्यान से सुनिएगा। अब भगवान आचार्य तो महाप्रभु घर पर आने वाले हैं तो बड़ी तैयारी करने लगे, और बंगाल में तो आप सब कुछ बना दो, भात न हो तो भोजन अधूरा माना जाएगा, ठीक है। भगवान आचार्य ने सोचा कि मेरे घर पर जो भात है वो हाई क्वालिटी का नहीं है, खिचड़िया भात छे, टुकड़ी भात है, और महाप्रभु मेरे घर पर आ रहे हैं तो उनके लिए विशेष भात होना चाहिए। तो उन दिनों शिखी माहिती जो थे वो 3.5 अधिकारी, उन्हें शिखी माहिती जगन्नाथ जी के मंदिर में कोई ऊंची पोस्ट पर थे इसलिए उनको ऊंची क्वालिटी का भात मिलता था, तो वो अपनी बहन माधवी को दे देते थे। तो भगवान आचार्य ने हरिदास, छोटे हरिदास को बुलाया और कहा कि छोटे हरिदास, कल चैतन्य महाप्रभु घर पर भोजन के लिए आ रहे हैं, एक काम करो ना, माधवी के घर से थोड़ा सा भात लेकर आओ ना, हम चैतन्य महाप्रभु को अच्छे क्वालिटी के भात खिलाएंगे। अब बेचारे छोटे हरिदास का कोई दोष नहीं, महाप्रभु को भोजन करना था, भगवान आचार्य ने भेजा, छोटे हरिदास माधवी के घर पर गए और माधवी उम्र लायक, बड़ी बुढ़ापा था, विधवा थी, उनके घर पर छोटे हरिदास गए।
छोटे हरिदास उनके घर पर गए और भात लेकर आए और सुंदर भात बनाया, सुंदर भोजन बना। चैतन्य महाप्रभु आए और भगवान आचार्य ने भोजन परोसा और महाप्रभु भोजन खाते खाते भोजन की बड़ी प्रशंसा की है। मैं आपको कहूं, जब भी किसी के घर पर या अपने घर पर भोजन के लिए बैठो तो भोजन कैसा भी हो उनकी प्रशंसा करो, क्योंकि श्री प्रभुपाद ने, भक्तिनोद ठाकुर ने सिखाया, सही अन्नामृत पाओ, राधा कृष्ण गुण गाओ। गुण गाते हुए भोजन खाना चाहिए, मुंह बिगाड़कर भोजन नहीं करना चाहिए। गुण गाते हुए एक पत्नी ने सुंदर भोजन बनाया। पत्नी ने कहा कि मैं आपके लिए क्या बनाऊं? पति ने कहा पहले बना ले, नाम बाद में रखूंगा। क्योंकि तू बनाना चाहती है रोटी बन जाता है कुछ और है? लेकिन ऐसी भी स्थिति हो ना, फिर भी प्रशंसा करनी चाहिए, क्या भोजन बना। चैतन्य महाप्रभु बड़ा गुणगान कर रहे हैं, भोजन खा रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु ने अब देखिए, सुनिए ध्यान से, भोजन कर रहे थे, भोजन करते करते कहा ये भात बहुत अच्छा है, ये भात कौन सी दुकान से खरीदा? भगवान आचार्य ने कहा निर्दोष स्वर से कि ये भात छोटा हरिदास को मैंने भेजा था, वो माधवी के घर से भात लेकर आए और आपके लिए पकाया। जो जो कवर महाप्रभु ने मुख में रखा था ना, वो खाकर सीधे खड़े हो गए, हाथ धोकर वहां से निकल गए। भगवान आचार्य समझ नहीं पाए, अभी तो प्रशंसा कर रहे थे, प्रेम से भोजन पा रहे थे, और जैसे मैंने कह दिया कि छोटा हरिदास माधवी के घर से भात लेकर आया तो प्रभु खड़े होकर चले गए, भोजन को अधूरा छोड़ दिया। सीधे महाप्रभु अपने घर पर गंभीरा में गए, अपने सेवक गोविंद को बुलाया और गोविंद को कहा, गोविंद आज के बाद हरिदास मेरे घर की चौखट नहीं चढ़ना चाहिए। आज हरिदास रोज यहां आता है कीर्तन सुनाने के लिए, आज से मैंने हरिदास को त्याग दिया है। किसने कहा था कि उस माधवी के घर से अन्न लाने के लिए? गोविंद बेचारा कहता है कि प्रभु माधवी बूढ़ी महिला है, उनके घर से भोजन लाने में उनको क्या हो गया? और बेचारे हरिदास अपनी बुद्धि से थोड़ी गया था, भगवान आचार्य ने भेजा था। महाप्रभु ने कहा मेरी आज्ञा है कि सन्यासी को या सन्यासी के साथ रहने वाले को कभी भी स्त्री का संग नहीं करना चाहिए, कभी भी एकांत में स्त्री के साथ नहीं रहना चाहिए। दारू भी प्रकृति है, मुने रपी मन तू नहीं जानता गोविंद, दारूवी प्रकृति, लकड़ी की मूर्ति भी यदि किसी सन्यासी के सामने आए तो सन्यासी का सन्यास धर्म नष्ट हो जाए। ये तो साक्षात स्त्री के पास गया था। महाप्रभु कड़े सन्यासी थे, धर्मिष्ठ थे। भागवत में महाप्रभु के विषय में ये बात करवाजन ऋषि ने कही, धर्मिष्ठ आर्य वचसा यत अगादरणीयम, वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। महापुरुष थे। किसने कहा था वहां जाने के लिए? महाप्रभु ने गोविंद को कहा, ग्रीत कुंभ समान आरी पुमान तप्त अंगार समान तस्मात ग्रीतम च वैणी निमच न एकत्र स्थापयेन बुधा। बुद्धिमान आदमी कभी भी न एकत्र स्थापयेन, कभी भी पराई स्त्री के साथ अकेला नहीं रहता बुद्धिमान। समाज में तो मूर्ख ही भरे पड़े हैं, बच्चे से लेकर बूढ़े तक, लेकिन बुद्धिमान है जो, साधु है जो, भक्त है वो कभी एकांत में, इवन फोन पे, इवन मैसेज में या किसी भी अवस्था में एकांत में स्त्री का संग नहीं करता। महाप्रभु कहते हा हंत हा हंत। महाप्रभु ने बहुत सिखाया कि कोसों दूर रहना चाहिए यदि भजन में प्रोग्रेस करना है, भजन चुक जाएंगे, ईश्वर की प्राप्ति, ईश्वर तो दूर की बात, जीवन बर्बाद हो जाएगा यदि कोई स्त्री पुरुष या पुरुष स्त्री की आसक्ति में फंस गया। और इतिहास खोलने की छूट है, पुरुर्वा ययाति, एक से एक हमारे कल का इतिहास, राजा भर्तहरि, एक से एक इतिहास आप देख सकते हैं। सो महाप्रभु ने कहा, किसने कहा था वहां जाने के लिए? घृत कुंभ समान आ रही,
नारी घी के समान है, पुरुष अग्नि के समान है, घी और अग्नि बाजू में आएंगे तो आज नहीं तो कल वो घी पिघलने वाला है वहां, आज नहीं तो कल कहीं ना कहीं पाप हो ही जाएगा। इसलिए न एकत्र स्थापिये न बुधा, बुद्धिमान आदमी कभी एकांत में स्त्री का संग। इस प्रसंग में वो जैमिनी ऋषि वाली कथा द्रष्टव्य है, आप सब जानते इसलिए मैं नहीं कह रहा हूं कि बता दूं। ये बात व्यास मुनि लिख रहे थे अपने पुराणों में, और गणेश जी, व्यास मुनि बोल रहे थे, गणेश जी लिख रहे थे, और बीच में जैमिनी ऋषि एडिटिंग कर रहे थे। व्यास मुनि ने कहा कि एकांत में स्त्री का संग नहीं करना चाहिए, इवन सन्यासी को भी नहीं करना चाहिए। जैमिनी ऋषि ने कहा रुको रुको रुको, गृहस्थों के लिए ठीक है, हम सन्यासियों के लिए क्यों, हम तो त्यागी वैरागी तपस्वी हैं। महाराज ये बात आपकी गलत है। व्यास मुनि ने कहा वैसे भी संध्या हो चुकी है, इस पॉइंट को पेंडिंग छोड़ देते हैं, कल सुबह फ्रेश मूड में आकर लिखेंगे। सब लोग अपने अपने घर चले गए, जैमिनी ऋषि सोए। रात को अचानक बारिश हुई, किसी ने दरवाजा खटखटाया, भीगे हुए वस्त्र में एक स्त्री आई, कहा कि मैं किसी गांव में जा रही हूं, मुझे एक रात के लिए यहां पर रहने के लिए आप स्थान दे दीजिए। बोले मैं साधु हूं। स्त्री ने कहा इसलिए तो आपके पास आई, दुनिया के लोग हमको समझ नहीं सकते, साधु ही है, वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पर आई जाने, आप ही मेरी पीड़ा समझ सकते हो। जैमिनी ने कहा ठीक है आप अंदर चली जाओ, मैं बाहर सो जाता हूं, और कोई भी दरवाजा खटखटाए, इवन मैं खटखटाऊं, खोलना मत, अंदर जाकर सो गई। अब जैमिनी ऋषि, क्योंकि वो दृश्य देख चुके थे, मन में आया रात को नींद नहीं आई, और खड़े होकर दरवाजा खटखटाया। अंदर से स्त्री ने कहा कि भाई आपने मना किया था। बोले घर मेरा है, खोल दरवाजा। बहुत कहा फिर भी नहीं खोला। जैमिनी पीछे से छत पर चढ़े, छप्पर फाड़ कर घर पर घुसे, और कहा कि मैं तुझसे शादी करना चाहता हूं, ये धूल धुआं यज्ञ करते करते जीवन बर्बाद हो गया, सही सुख आनंद तो यार शादी में है, मैं शादी करना चाहता हूं। बोलो। स्त्री ने कहा मैं तो शादी करूंगी, लेकिन हमारे कुल की परंपरा है कि दुल्हा घोड़ा बनकर अपनी दुल्हन को अपने पीठ पर बिठाकर सात प्रदक्षिणा करे तब मैं शादी कर सकती हूँ। बोले कोई बात नहीं, मैं घोड़ा बन जाऊंगा, कौन देखने वाला है। जैमिनी ऋषि घोड़ा बने और वह स्त्री उसके पीठ पर बैठी, एक चक्कर दो चक्कर तीन चक्कर, सातवां चक्कर पूरा था, जैमिनी ने कहा नीचे उतरो, नीचे उतरो, अब शादी करेंगे। जैसे ही कूद कर नीचे उतरी, जैमिनी ने खड़े होकर देखा वेदव्यास ऋषि खड़े थे। वेदव्यास ऋषि ही स्त्री का रूप लेकर आए थे। वेदव्यास जी ने कहा महाराज बताओ, संध्या को जो चर्चा चल रही थी अब क्या लग रहा है, तो कल सुबह जो मैंने कहा वही लिख देना। बोले सुबह नहीं, अभी ही लिख देता हूं, सुबह का क्या ठिकाना। सो दारू ही प्रकृति है, मुने रपी मन, अरे बड़े बड़े मुनियों के मन फिसल गए हैं, हम और आपकी क्या औकात। 2400 घंटा काम के कीड़े बने हुए हम लोग, हमारी क्या औकात, मुनियों के मन चले गए हैं। इसलिए महाप्रभु हा हंत छोटे हरिदास को त्याग दिया। बोले आज के बाद छोटा हरिदास मेरे सामने नहीं आना चाहिए। छोटे हरिदास को जब ये बात पता चली, उनके हृदय में बड़ा कष्ट हुआ, रोने लगा। बोले महाप्रभु मेरे से क्या अपराध हो गया कि महाप्रभु ने मुझे त्याग दिया। और जब से महाप्रभु ने त्यागा, छोटे हरिदास ने भोजन खाना बंद कर दिया। चैतन्य महाप्रभु को समझाने के लिए उनके पर्सनल असिस्टेंट स्वरूप दामोदर आए और कहने लगे महाप्रभु बिचारे का कोई अपराध नहीं है, आप उसे क्षमा कर दीजिए। रामानंद राय आए, लेकिन महाप्रभु किसी की नहीं सुनते। एक दिन भगवान आचार्य, जिन्होंने हरिदास को भेजा था, उनको पता चला कि मैंने भेजा था और मेरे कारण महाप्रभु ने उनको त्याग दिया। भगवान आचार्य गए, महाप्रभु भगवंत मैंने हरिदास को भेजा था, उसकी कोई गलती नहीं है। चैतन्य महाप्रभु ने कहा आपने भेजा, लेकिन उनमें बुद्धि नहीं थी आपको मना कर सके। इस प्रकार से महाप्रभु किसी की बात नहीं माने। यह बात प्रेमानंद पुरी को पता चली। प्रेमानंद पुरी चैतन्य महाप्रभु के गुरु के भाई लगते हैं, महाप्रभु के गुरु के भाई।
महाप्रभु के गुरु के समान हुए ना। प्रेमानंद पुरी चैतन्य महाप्रभु के पास गंभीरा में आए, महाप्रभु ने प्रणाम किया गुरु मानकर, गुरुदेव आप मेरे स्थान पर। प्रेमानंद पुरी ने कहा, देखो भगवान, छोटे हरिदास का कोई दोष नहीं है। भगवान आचार्य ने कहा था, और जब से आपने त्यागा है, छोटे हरिदास ने भोजन बंद कर दिया है, आप उसे स्वीकार कर लीजिए। अब गुरु की आज्ञा हुई, चैतन्य महाप्रभु ने कहा, आप मेरे गुरु लगते हो और आप मुझे ये कह रहे हो, आप चाहते हो कि छोटा हरिदास गंभीरा में रहे। गुरुदेव मैं आपकी बात को ठुकरा नहीं सकता, बुला लो छोटे हरिदास को गंभीरा में और मैं जगन्नाथपुरी छोड़कर अलारनाथ चला जाऊंगा। मैं आपकी बात को ठुकरा नहीं सकता, लेकिन मैं जगन्नाथपुरी छोड़ दूंगा, मैं दूर चला जाऊंगा। चैतन्य महाप्रभु ने गोविंद को कहा, मेरी धोती, मेरा कमंडल, ये मेरा सब कुछ लाओ, मैं जा रहा हूं जगन्नाथपुरी छोड़कर। चैतन्य चरितामृत में लिखा है, महाप्रभु अपना बोरिया बिस्तर लेकर निकल पड़े। ये सब लोग जब मनाने आए, महाप्रभु निकल गए। प्रेमानंद पुरी ने रोका, महाराज आप जाओ मत, आज के बाद हम कोई आपको फोर्स नहीं करेंगे, जैसे तैसे महाप्रभु को वापस बुलाया। और यहां हरिदास ने भोजन त्याग दिया। ये सारे भक्त हरिदास के पास आते हैं और हरिदास को समझाते हैं, हरिदास तुम चिंता मत करो, महाप्रभु ने आपको त्यागा है तो ये भी महाप्रभु की कृपा है। हरिदास अब तक महाप्रभु की तुम पर अनुकूल कृपा थी, जो तुम्हारा गीत सुनते थे, तुम्हारा कीर्तन सुनते थे, तुमको माला पहनाते थे, तुम्हें आलिंगन करते थे, अपना जूठा भोजन देते थे, अब तक महाप्रभु की हरिदास तुम पर अनुकूल कृपा थी, लेकिन अब महाप्रभु की प्रतिकूल कृपा हुई है। हरिदास तुम चिंता मत करो, भक्त उनको समझाते। लेकिन महाप्रभु के विरह में हरिदास छटपटाने लगे और अंत में जगन्नाथपुरी छोड़कर हरिदास तीर्थराज प्रयाग चले गए। जैसे राम के विरह में भरत अयोध्या छोड़कर प्रयाग पहुंचते हैं, वैसे छोटे हरिदास प्रयाग पहुंचे, त्रिवेणी में स्नान किए और भीख मांगते हैं प्रयाग से, भीख मांगते हैं। अर्थन धर्मन कामरति गति न चाहू निर्वाण, मुझे न अर्थ चाहिए, न धन, न काम, न रति, अरे मुझे निर्वाण मुक्ति भी नहीं चाहिए, जन्म जन्म मोहि राम पद यह बरदान न आन। मैं तो जन्म जन्म तक मेरे महाप्रभु की सेवा चाहता हूं और महाप्रभु ने मुझे त्याग दिया। त्रिवेणी में स्नान किए और स्नान करते हुए छोटे हरिदास ने बस यही प्रार्थना करते हुए कि इस जन्म में महाप्रभु ने त्याग दिया, लेकिन अगला जन्म हो और बार बार मैं महाप्रभु का सेवक बनूं, उनकी सेवा करूं, इस कामना से, इस मनोभावना से हरिदास, छोटे हरिदास ने तीर्थराज प्रयाग त्रिवेणी में अपना शरीर त्याग दिया। और जिस समय ये प्रार्थना कर रहे थे, शरीर त्याग रहे थे, उन दिनों बंगाल से श्रीवास पंडित के एक पड़ोसी वहां पर आए थे और उन्होंने ये दृश्य देखा था और ये अपने घर पर गए और श्रीवास पंडित को सारी बात बताई। कुछ दिन के बाद श्रीवास पंडित जगन्नाथपुरी आए। अब एक दिन की बात, स्वरूप दामोदर, परमानंदपुरी, राय रामानंद, शिखी मायती, ये सब लोग चैतन्य महाप्रभु के साथ जगन्नाथपुरी में समुद्र के तट पर बैठे थे और सबको छोटे हरिदास के कीर्तन की आवाज आने लगी। उन्होंने तो वहां प्राण त्याग दिया और यहां हरिदास का कीर्तन, श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे, श्री राधे जय जय, श्री राधे जय जय राधे, श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे। छोटे हरिदास के कीर्तन की गूंज कानों में सुनाई दी, सारे भक्त खड़े हो गए, बोले छोटे हरिदास की आवाज।
कुछ लोग कहने लगे कि छोटे हरिदास तो हमारे बीच में नहीं है और ये आवाज कहां से आ रही है। कुछ लोग अपना मंतव्य देने लगे, छोटे हरिदास, छोटा हरिदास मर गया होगा और भूत बना होगा और उनका भूत कीर्तन कर रहा है। स्वरूप दामोदर ने रोक दिया, चुप रहो, जिसने महाप्रभु की सेवा की है, है? जिसने एक बार भी महामंत्र लिया है वो कभी भूत नहीं बन सकता। उसी समय श्रीवास पंडित आए और कहा कि मेरे पड़ोसी ने मुझे खबर दी कि आपका हरिदास महाप्रभु, आपका छोटा हरिदास प्रयाग गया और अब मन में रोते हुए कामना करते हुए कि जन्म जन्म तक मैं महाप्रभु की सेवा करूं, इस कामना से अपने प्राण को त्यागा। तब सारे भक्तों ने कहा महाप्रभु ये छोटे हरिदास ने प्राण को त्यागा। तब महाप्रभु ने अपना पत्ता खोला, तब महाप्रभु ने अपने राज की बात जो अब तक दबा कर रखी थी महाप्रभु ने उसे खोल दिया। महाप्रभु ने कहा कि वो तीर्थ राज प्रयाग में अपने शरीर को त्याग कर सीधे मेरे धाम वैकुंठ गोलोक वृंदावन पहुंचा है। हरिदास, छोटा हरिदास मेरी कृपा से आज गोलोक वृंदावन में है और गोलोक वृंदावन में उसे मेरी याद आ रही है तो वह नीचे आकर मुझे कीर्तन सुना रहा है। भक्तों ने कहा प्रभु आपने तो कहा था कि 3.5 लोग ही वैकुंठ के अधिकारी हैं। चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि 3.5 भक्त थे लेकिन छोटे हरिदास पर मैंने प्रतिकूल कृपा की, मैंने क्रोध किया और छोटे हरिदास ने मेरे क्रोध को डाइजेस्ट किया, मेरे क्रोध को पचा लिया। मेरा क्रोध होने पर, मेरी प्रतिकूल कृपा होने पर भी छोटे हरिदास ने मुझ पर दोषारोपण नहीं किया, उन्होंने भक्ति कम नहीं की, उनका भाव कम नहीं हुआ। सारी प्रतिकूल कृपा को छोटे हरिदास ने स्वीकारा, जीवन में उतारा, संजोया, उस कृपा को समझा और मेरी प्रतिकूल कृपा को समझने के, एक्सेप्ट करने के कारण मेरी कृपा से आज वो वैकुंठ को प्राप्त हो गया और वहां से मुझे कीर्तन सुना रहा है। अनुकूल कृपा से संसार की सुख सुविधा, लेकिन प्रतिकूल कृपा से भगवान का धाम वैकुंठ प्राप्त होता है। बोलिए प्रतिकूल कृपा की, प्रतिकूल कृपा की, प्रतिकूल कृपा की। भगवान की कृपा बड़ी अद्भुत होती है। जीवन में कभी कभी अगर घटना घट जाए चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि भजन करने वाले पर भगवान कृपा ही करते हैं। वह कृपा कभी अनुकूल होती है तो कभी प्रतिकूल, क्योंकि कैलाश के शिखर पर बैठकर शिव जी ने कहा था कि भगवान एक और मात्र एक मंगल के निधान है, वो कभी किसी का न अमंगल करते हैं न अमंगल सोचते हैं। भगवान राम और कृष्ण की जिसने शरण ग्रहण की उनका जीवन मंगल ही मंगल से भर गया। मंगल भवन मंगल हारे प्रभु सुदशरथ अजीर बिहारी, मंगल भवन मंगल हारे प्रभु सुदशरथ अजीर बिहारी, मंगल भवन द्रवंशु दशरथ अजीर बिहारी, मंगल भवन मंगल हारी द्रवंशु दशरथ अजीर बिहारी, द्रवंशु दशरथ अजीर बिहारी, द्रवंशु दशरथ प्रतिकूल कृपा की। सो इस प्रकार से प्रतिकूल कृपा जिस पर होती है उसे भगवान का धाम प्राप्त होता है, और ऐसी प्रतिकूल कृपा कई भक्तों पर है, मैंने मेरे जीवन में देखा है भक्तों। हालांकि निज बात करना तो एक अपराध, एक आत्मश्लाघा माना जाता है, लेकिन मैंने जीवन में कभी कभी इस प्रतिकूल कृपा का अनुभव किया है।
और इन प्रतिकूल कृपा से जीवन में बहुत प्रोग्रेस हुआ, बहुत आगे बढ़े। और देखिए, प्रोग्रेस होना इसका अर्थ ये नहीं कि नाम बन जाना, फेमस हो जाना। प्रतिकूल कृपा का अर्थ मैं कह रहा हूं हृदय में भाव प्रेम। इस प्रकार से प्रतिकूल कृपा से ये सब बढ़ता है। तो जीवन में अनुकूल कृपा हो या प्रतिकूल कृपा, इसे जीवन में स्वीकार करें। हरे कृष्णा। श्री चैतन्य चरितामृत के कली पावन अवतार श्री चैतन्य महाप्रभु के श्री प्रभुपाद के निताई गौर प्रेमानंद है।